तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग गए थे सितंबर में यूरोप, और मैंने जो है पूरी जर्नी कैप्चर की थी, हम लोगों ने व्लॉग्स बनाए थे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। लेकिन कुछ मसले हो गए और वो व्लॉग जो है मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाई, और वो व्लॉग हमारा यूट्यूब का फर्स्ट व्लॉग होने वाला था। सो नाउ मतलब जो हमने क्योंकि एडिट ही नहीं किए हुए थे व्लॉग्स, और सिर्फ एडिटिंग इसको आती है तो इसने कर लिया, और अब वो व्लॉग्स बिल्कुल तैयार हैं तो अब हम वो पोस्ट करेंगे। सो दिस पार्ट, दिस व्लॉग इज द PART-1 ऑफ यूरोप सीरीज। तो बीच में कुछ मतलब बिल्कुल ही एक रिदम नहीं बन रही थी, तो आई थॉट कि ये इंट्रो बना लिया जाए, जस्ट टू लेट यू नो गाइज कि हम इंट्रो में अभी बोलेंगे कि ये हमारा यूट्यूब व्लॉग 1 है। तो आप लोग कहें ना कि बच्ची आप पागल हो गई हैं, इसीलिए हम ये पूरा इंट्रो बना रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द यूरोप सीरीज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी फिलज़ा अनवर एंड इट्स मी जालिशा, और ये व्लॉग हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उतना इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। क्यों? पहली चीज़ ये हमारा फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग है, दूसरी चीज़ हम लोग वोकेशन पे जा रहे हैं, और द थर्ड थिंग इज वी आर गोइंग टू टेक यू गाइस विद अस सारी जर्नी पर। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड सारा, हम किन किन लोकेशन पर जाएंगे हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे एंड और हम वो पोस्ट करेंगे ताकि आप लोग देख सकें हमने अपनी वेकेशंस कैसे गुजारी। सो स्टे ट्यून्ड और आखिर तक वीडियो देखिएगा कि सब देखने के लिए कि हमने क्या क्या किया। गाइस मतलब आई एम रेडी, फिलज़ा भी तैयार हो गई है, लेकिन अभी हम ना एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में बहुत कॉल्स आ रही थी तो वो वीडियो भी शूट नहीं हुई, तो अब वो फिलज़ा आएगी एंड आई शूट अ वीडियो विद हर। सो गाइस हम तैयार हैं, एयरपोर्ट लुक हमारा यही है क्योंकि हम तीनों ने बिल्कुल सेम शर्ट्स और सेम ट्राउजर्स पहने हैं, और बहुत कम्फी हैं, लाइक बहुत ज़्यादा कम्फी हैं क्योंकि काफ़ी टाइम का ले ओवर है और फ्लाइट टाइम तो इंतहाई ज़्यादा है, और इस वजह से हम बस इतना तैयार हुए हैं, ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, और जलीशा कैमरा सीधा नहीं रख रही क्योंकि इसकी इसके हाथ को कुछ हो गया। वो अब ऑब्वियसली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैंने हाथ में पकड़ा तो हिलेगा ना, तो कौन समझाए मतलब क्या है मतलब क्या। सो गाइज राइट नाउ हम लोग एयरपोर्ट के वॉशरूम में हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग अच्छी थी और मैं यहाँ पे पिक्चर्स ले रही थी और मैंने टिकटॉक्स भी बना लिए, सो हमने सोचा कि यहाँ एक बना लें। सो राइट नाउ हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे होंगे। हम आए थे कुछ खाने के लिए लेने के लिए, तो हम जैसे ही ऊपर आए मामा की कॉल आ गई कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, तो अब हम भाग रहे हैं और नैना भी मेरे साथ है, ठीक है, एंड वी आर विनिंग, ये अभी भागते हैं। हम एयरप्लेन में आ चुके हैं और फिलज़ा का कुछ हो गया है और नैना भी देख रही है कि क्या हो रहा है, और हेलो हेलो इट्स मी। अच्छा तो हमें मैं तो अभी से ही थक गई हूँ यार। तो गाइस हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और अब हम मर चुके हैं, लेजिट मर चुके हैं, और यहाँ पे अभी हमें 5 या 4 घंटे और वेट करने हैं, ले हो गए यहाँ पे 4-5 घंटे का, और उसके बाद हम मेड्रिड जाएंगे। फिलज़ा तो मतलब बिल्कुल ही डेड है ना, उनका ना तो कोई वीडियो बनाने का दिल कर रहा है ना कुछ करने का दिल कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो सो रही हैं कब से और कुछ कर नहीं रही हैं, तो यस, और मैं आगे पीछे घूम रही हूँ, ओके मैं भी नहीं घूम रही। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, अभी हम जद्दा थे, अब हम मैड्रिड जा रहे हैं, और 5 घंटे की मेरा वाकई मुश्किलें बना रही है हमारी 5 घंटे की फ्लाइट है, और उसके बाद जी हमने जाना है थोड़ा सा रेस्ट करके लुबलिनो, जो 3 आवर्स की ड्राइव है मैड्रिड से, तो आज का दिन पूरा खवारी 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 है। एक चीज़ ऐड कर दूँ, नैना स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई है, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें नैना, आपकी वजह से फैमिली फ्रेंडली अकाउंट है।
फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लुबनो और पता नहीं कितना टाइम हो गया, हालतें बहुत शदीद किस्म की ख़राब हैं क्योंकि हम कब से बस सफ़र ही कर रहे हैं और ये जलीश आ गई, मतलब कहीं अकेले रहने नहीं देती, हम मरे हुए हैं, मर चुके हैं। लेकिन जहाँ भी हम हैं ना, दिस प्लेस इज ये हर बार जितने भी ब्लॉग में गए तो मैंने वीडियोस बनाई है वो इसलिए क्योंकि ये मुझे कहती है मुझे बोला नहीं जा रहा, ये इनके ना मुंह से लफ्ज नहीं निकलते मुझे बोलना पड़ता। अच्छा तो बात कुछ ऐसी है कि अभी हम लोग किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं, डिटेल्स बाद में आके बताएंगे, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, प्यारी जगह है। चलो तो अभी हम लोग एक फेस्टिवल पे आए हैं, ठीक है, लुबनो में आजकल फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि चुप करो कि वो पैदावार को वो कर, इसको पता नहीं, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, पैदावार को सेलिब्रेट करने के लिए ये इवेंट, लेकिन ये फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, यहाँ पे आजकल काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी हम उसी एक फेस्टिवल पर जा रहे हैं और जलीशा सबसे बुरी राइड लेकर दिखाएगी अगर जलीशा नहीं, मैं सबसे बुरी राइड नहीं लूँगी क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, अब यहाँ पे हमारा पैरस है और अगर मैं मर गई तो तुम मेरी जगह जाओगी आगे पैरस, वो बिस्मिल्लाह है। तो फिलदा को हम सबसे गंदी वाली राइड पर बिठाएंगे और यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी राइड्स हैं, मुझे बहुत डर लगता है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, सॉरी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे कुछ राइड्स लेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ी राइड्स नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है तो हमें वैसे ही जेट लैग हुआ हुआ है, अब ज़्यादा राइड्स नहीं ले सकते, लेकिन हम कुछ राइड्स लेंगे और ये बहुत फिट फेस्टिवल। ओके मेरे को एक ब्रांड को मत पान, बाय। बस करो शोधी बताओ कैसा था? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मेरी आंखें नहीं खोली। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अच्छा तो हम लोग तैयार हो गए हैं, फुल तैयार हो गए, मतलब फुल तो नहीं हुए, इतना नहीं हुए, मैंने आईलैशेस लगानी थी लेकिन मैं अपने दूसरे बैग में भूल गई हूँ, तो फुल तैयार नहीं हुए लेकिन तैयार हो गए हैं। और अब हम हमारी हम पहले मैड्रिड जाएंगे, वहाँ से हमारी फ्लाइट है पेरिस की, तो हाँ पहले हम 6 hour की ड्राइव करके यहाँ आए और अब हम वापस जा रहे हैं, मतलब लेकिन वो ना एक्चुअली आते हुए ना रास्ता भूल गया था तो 6 hours लगे, हाँ। वरना में 3 hours लगने थे, 3 to 4 hours, हाँ लेकिन हम लोग रास्ता भूल गए और रास्ते में हम के ड्रामे बहुत होते ना, पिक्चर्स लेनी है और ये वो ये हाँ। वो तो फिर हमें रुकना पड़ा, व्यू भी काफ़ी अच्छा था और सब सीन्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आए लेकिन अब वापस जल्दी जाएंगे
क्योंकि हमारी फ्लाइट है, हमने वापस जाना है, हमने मैड्रिड जाना है पहले, और मैड्रिड से फिर हमने कहाँ जाना है, पेरिस, पेरिस जाना है। और अगर हमारी मैड्रिड से फ्लाइट है रात को 8 बजे की, लेकिन अभी हम यहाँ पे 10 o'clock हो रहे हैं और हम इसीलिए इतना जल्दी तैयार हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने बाबा के दोस्त के घर जाना है, वहाँ पे हमारा सारा सिस्टम वगैरह है, फिर वहाँ से खाना खा के हम 2 o'clock तक, 3 o'clock तक हम वहाँ से निकलेंगे और फिर हम 6 तक पहुँचेंगे, बट हमें पहुँचना है 6 तक एयरपोर्ट, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम पेरिस चले जाएंगे। और यस, और फिर हमारा और रात को जलीशा ने वो बच्चों वाला एक झूला ले लिया था, बच्चों वाला नहीं था, इट वाज स्केरी, ठीक है, वो दिन स्केरी, बस बच्चों वाला झूला था, चीख रही है मैंने वो झूला लिया, इट वाजंट स्केरी। पता क्या सीन हुआ मेरे साथ, हमारे साथ हमारी कजिन थी ना, वो भी होश हो गई, तो आप बताए मुझे कि वो स्केरी नहीं होगा, तो तुम क्यों नहीं बैठी, मुझे डर लग रहा है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, इसको इसको इतना डर लगता है, इसने एक झूला लिया, इसमें भी इसने इतनी चीखे मारी, इतनी चीखे मारी, मतलब वो नॉर्मल झूला था, इसने इतनी चीखे मारी, और दूसरे में ये बैठी चेयर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं नहीं बैठूंगी, तो किसी भी ब्लॉग में रिकॉर्ड करना होता है ना गाइस, ऐसी बात नहीं होती है, तो हमारे दो आदमियों और भी बैठी हुई थी, वो भी रिकॉर्ड कर सकती थी। अच्छा तुम छोड़ो, इसको तो डर लगता है, मैं बता रही हूँ, है हम लोग इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोग उन्हें आउटफिट्स क्या पहनने हैं, तो अगर वो देखना है तो ये है मैना पी और नैना का रूम, और नैना को देखें, यही मैंने भी खाने हैं, नैना कुछ कहना चाहेंगी, जो अंकल मिलते हैं ना वैसे ही अंकल, वो 2 रुपए वाले होते थे ना अंकल, ओए वाकई में, वाकई में। और नैना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, जरीशा भुक्कड़ है। हम लोग पिक्चर्स लेने आए थे इस जगह पे, एक्चुअली नैना और मैना अपनी मामा के पास चली गई थी, मामा की तबीयत नहीं थी, और मैं और जरीशा बाबा और अंकल के साथ पिक्चर्स लेने के लिए, बाबा और अंकल पिक्चर्स देने के लिए आ गए थे, दिस प्लेस इज क्वाइट ब्यूटीफुल, सो अभी पिक्चर्स लिए, स्लो मोस बनाए, और जरीशा आर यू किडिंग मी, तो मतलब जैसे कि फिल्जा ने बता दिया कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिक्चर्स लिए हैं, क्योंकि मैंने टिकटॉक्स पे स्लो मोस लगाने होते हैं, तो मैंने इससे स्लो मोस बनवाए हैं, और सिर्फ मेरे से इतने पहले पहले स्लो मोस बनाए हैं, और मैं कह रही थी मेरी पिक्चर लो और मुझे देखो, अब फ्रेम में मिली लाग यार, ये करती है मेरे साथ, चल रही हूँ ना मैं, और दूसरी बात ये कि मैं अपना ट्राईपॉड भी छोड़ आई हूँ घर, अकलमंद बहुत है, मुझे बीबी ले, हमारा यूरोप पार्ट 1 ख़त्म होता है, क्योंकि जो पार्ट 1 था स्पेन में मैड्रिड और लगुना वगैरह वो सब हो चुका है, हम होकर आ गए वहाँ से, हम देख चुके हैं, दैट वाज लाइक अ रियली नाइस एंड प्रीटी प्लेस। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, हाँ पेरिस जा रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा वो पेरिस का होगा, जो कि हम पेरिस जाकर शूट करेंगे, और राइट नाउ हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, टिकट्स वगैरह चेक इन वगैरह कर रहे हैं, और बस हम Yes, I hope you guys liked part 1 and support us and watch part 2, just like and subscribe, and yay, bye bye.